संगवारी हो, आज की जितका प्रमुख बड़ी खबर निकल कर सामने आती है, आज की जो प्रमुख बड़ी खबरें हैं तो वो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रादेशिक समाचार वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं रोजाना। तो दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर में आपको बता दें कि तूफान के प्रभाव से झमाझम बारिश प्रदेश में, तो वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम। जी हां, आपको बता दें कि भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के जो है राहत मिल चुकी है, अब मौसम जो है वो सुहाना हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई के तट से टकराकर चक्रवाती तूफान निसर्ग भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसके प्रभाव से वो क्षेत्र में बारिश हो रही है और ऐसे में वातावरण में नमी बढ़ गई है, जिसके प्रभाव से उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में गुरुवार सुबह तेज बारिश हुई और करीब आधा घंटा शहर में 3.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है अंबिकापुर में। तो संगवारी हो, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 86 नए पॉजिटिव मिले कोरोना के, तो वहीं प्रदेश में 27% रिकवरी रेट और एक माह में हम 63% नीचे आए। जी आपको बता दें कि CMHO ने कहा, बिलासपुर में बच्ची की मौत सिम्स की लापरवाही के कारण हुई है। जी आपको बता दें कि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या कुल 489 हुई, तो वहीं कुल संक्रमितों का आंकड़ा 661 हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में एक माह पहले तक मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 90% थी। जो ही आपको बता दें कि प्रदेश में 24 घंटे में 4% की बढ़ोतरी हुई है और मंगलवार तक महज 23.29% ही जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना से लगातार अब जो है तीसरी मौत दर्ज की गई है, वहीं 9 साल की बच्ची ने आखिरकार तोड़ा दम। जी हाँ, आपको बता दें कि जैसा कि हम आपको पिछले न्यूज़ में बता चुके हैं कि 9 साल की बच्ची की मौत कोरोना की वजह से हुई, जो अस्पताल प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बच्ची की मौत बीते 30 मई को हुई थी, लेकिन जिसकी सैंपल रिपोर्ट रायपुर से 1 जून को भेजा गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम डगनिया में रहने वाली कोरोना पॉजिटिव 9 साल की बच्ची की मौत हो गई है, जबकि उसका सैंपल रिपोर्ट 1 जून को मिली, जबकि परिजन 31 मई को ही उसका गाँव में अंतिम संस्कार कर चुके हैं। यह कोरोना की वजह से छत्तीसगढ़ में लगातार तीसरी मौत है और तीसरी मौत के हालांकि आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। इससे पहले रायपुर में एक और दुर्ग जिले के कुम्हारी में एक बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत की पुष्टि की गई थी। दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि स्कूल भवनों में चल रहे क्वारंटीन सेंटर को जल्द किया जा सकता है बंद और साथ ही साथ जल्द ही सैनिटाइजेशन होगा शुरू। जी आपको बता दें कि जो क्वारंटीन सेंटर हटाने के साथ ही भवनों को सैनिटाइज व रंगाई पुताई करने के आदेश भी सरकार ने दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकार 1 जुलाई से मिडिल स्कूलों की कक्षाएं शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए स्कूल भवनों में चल रहे करीब 3000 क्वारंटीन सेंटर को 25 जून तक बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं इसके साथ ही सभी कलेक्टरों ऐसा सभी स्कूल भवनों को 31 जून तक रंगाई पुताई और सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही न्यूज़ हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि राजनांदगांव, बिलासपुर और अंबिकापुर में जल्द ही लैब की सुविधा मिलने वाली है। जी आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने इसकी जाँच की है और कहा गया है कि इलाज की व्यवस्थाओं की समीक्षा भी लिया गया है, यानी कि जायजा लिया गया है। वहीं आपको बताया कि प्रदेश के बिलासपुर, अंबिकापुर और राजनांदगांव में कोरोना वायरस संक्रमण जांच लैब जल्द ही स्थापित की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने तीनों ही स्थानों में काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बताया कि सिंहदेव ने राज्य कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में बनाए जा रहे विशेषीकृत अस्पतालों का भी जल्द पूरा करने के लिए कहा गया है, जो काम है वो। साथ ही साथ सिंहदेव ने बुधवार को प्रदेश में कोरोना जाँच और इलाज की व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। जो दोस्तों, ये जो बड़ी खबर निकल कर आई है स्वास्थ्य विभाग से, अच्छी खबर है। दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताया कि पहली बार 180 मजदूर फ्लाइट से लौटेंगे रायपुर, तो वहीं ला विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों ने कराई टिकट। जी हां, आपको बता दें कि राजधानी समेत कई जिलों में 180 मजदूर पहली बार विमान में बैठेंगे। वहीं बेंगलुरु में फंसे इन मजदूरों को ला विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों ने विमान से रायपुर भेजने का इंतजाम किया है, यानी कि उनका टिकट कटाया है। वहीं लॉकडाउन में ऐसा पहली बार होगा जब कोई विमान मजदूरों के साथ रायपुर पहुंचेगा। वहीं विमान में बैठने का उनका सपना सच होगा।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि बंद नहीं होंगे एपीएल कार्ड, अब होगा इन परिवारों का नमक भी मिलेगा। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एपीएल राशन कार्ड बंद नहीं किए जाएंगे, बल्कि सरकार ने चावल के साथ साथ 9.19 लाख परिवारों को नमक भी देने का फैसला किया है। जी हां, आपको बता दें कि खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है नए राशन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वे आवेदन भी कर सकते हैं, यह प्रक्रिया लगातार जारी है। ऐसे में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एपीएल कार्डधारी परिवार के 39,45,000 लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। ऐसे में इसमें किसी भी तरह के बदलाव की योजना फिलहाल नहीं है। वहीं सामान्य एपीएल राशन कार्डधारी परिवार को हर महीने 10 रुपए की दर से चावल दिया जा रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि निसर्ग के कारण सुबह तेज बारिश, फिर रात तक बूंदाबांदी, असर रहेगा आज भी, यानी कि बीते दिन की बात है ये। वहीं आपको बता दें कि अरब सागर से मुंबई में दाखिल हुए निसर्ग तूफान का हल्का असर बुधवार को रायपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों में पड़ा, जबकि राजधानी में 11:30 बजे सुबह काले व घने बादल छा गए, जबकि आपको बता दें कि लगभग आधे घंटे तेज हवा के साथ 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा पानी बरस गया। दोस्तों, मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि भी की है। दोस्तों, इसी साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि रायपुर के हर नागरिक की होगी थर्मल स्कैनिंग, क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी सहित 34 नए पॉजिटिव केस मिले। वहीं आपको बता दें कि 40 स्वस्थ हुए, जबकि विशेष विमान से लौटेंगे 274 मजदूर, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। वहीं हैदराबाद व बेंगलुरु से होगी श्रमिकों की वापसी, जबकि लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र ने कराया है उनका टिकट, तो वही 65 साल के बुजुर्ग ने तोड़ा दम। 2 दिन पहले बच्ची की कोरोना से मौत पर विवाद भी चल रहा है फिलहाल। वहीं प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 626 पहुंच चुकी है, वहीं एक्टिव केसों की संख्या लगभग 454 है, तो वहीं बलौदा बाजार के 58 केसेस अभी पाए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताया कि जगदलपुर में 3 मरीज डिस्चार्ज, इनमें से एक डॉक्टर भी, और वहीं डॉक्टर ने कहा कि फिर से ड्यूटी करूंगा। जी, आपको बताया कि कांकेर के आयुष डॉक्टर RMA और मजदूर हुए डिस्चार्ज। वहीं आपको बताया कि डॉक्टरों ने तीनों को फूल देकर किया अलविदा। वहीं भास्कर ने 2 दिनों पहले ही बता दिया था कि 3 मरीज हुए ठीक, जबकि अब मेकाज में सिर्फ 6 एक्टिव मरीज पाए गए हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कटघोरा में संक्रमित महिला के संपर्क में आए 35 लोगों की पहचान हुई। जी हां, आपको बता दें कि क्षेत्र में सैनिटाइजेशन व घर घर सर्वे किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिले के क्वारंटीन सेंटर में ठहरे लोगों को कोरोना संक्रमित मिलने के बीच मंगलवार को कटघोरा के पुराने कंटेनमेंट जोन में करीब 1.5 माह बाद बिना ट्रैवल हिस्ट्री की महिला, यानी कि जो गर्भवती थी, के संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं आपको बता दें कि इसलिए पहले की तरह ही कटघोरा के उक्त क्षेत्र में निगरानी तेज करने के साथ ही संक्रमित महिला के सीधे या उनके परिवार के लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। अब तक संपर्क में आने वाले कुल 35 लोगों की पहचान कर उनका सैंपल लिया गया है, साथ ही उन्हें क्वारंटीन में रहने को कहा गया है। साथ ही साथ क्षेत्र में सैनिटाइजेशन व घर घर सर्वे कर लोगों का हेल्थ चेकअप के साथ ही सैंपल लेने का दौर भी शुरू हो गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि मनरेगा के तहत 11,000 मजदूरों को गाँव में ही दिया गया रोजगार, तो वही बैंक सखी घर जाकर पेमेंट कर रही है। जी, आपको बता दें कि ब्लॉक में लॉकडाउन के कारण मजदूरों को रोजगार गारंटी के तहत लगातार रोजगार दिया जा रहा है। वर्तमान में 52 ग्राम पंचायतों में, यानी कि भानुप्रतापपुर क्षेत्र की यह घटना है, 52 ग्राम पंचायतों में 213 कार्य 11,181 मजदूर काम कर रहे हैं। वही कार्य के बाद उन्हें बैंक सखी के माध्यम से गांव में ही मजदूरी की राशि प्रदान कर जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अब भी दूसरे राज्यों में फंसे हैं 2000 श्रमिक। जी हां, सर्वे के हिसाब से ये जानकारी, ये डेटा जो है वो सामने आया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिले में अब तक 23,994 प्रवासी श्रमिकों की वापसी हुई है, तो वहीं कलेक्टर रमेश शर्मा ने इसकी ऑफिशियल जानकारी दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की रोकथाम के लिए जिला, ब्लॉक व पंचायत स्तर पर 1,124 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं सिर्फ कवर्धा डिस्ट्रिक्ट में। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि रविशंकर विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर के लिए दाखिला इसी माह से, लेकिन सितंबर से शुरू होगी क्लास। जी, आपको बता दें कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में क्लास सितंबर से शुरू होगी, लेकिन दाखिले की प्रक्रिया इसी माह से शुरू हो सकती है, जबकि कक्षा 12वीं के नतीजे 10 जून तक आ सकते हैं। जी हां, ध्यान दीजिएगा, कक्षा 12वीं के नतीजे, जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है, उनका नतीजा जो है 10 जून तक आ सकते हैं, माफ कीजिएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अब जो है 50 मजदूरों को शहर में छोड़ गई तेलंगाना की बस, लेकिन प्रशासन को कानोकार इनकी खबर ही नहीं लगी। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते जहां एक तरफ प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशीलता बरतते हुए हर काम किए जाने का वायदा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अव्यवस्था भी लगातार सामने आ रही है। जहां हम बात
कर रहे तेलंगाना की एक बस बुधवार को करीब 50 मजदूरों को लेकर शाम 5:30 बजे बलौदा बाजार पहुंची, जबकि दशहरा मैदान पर उनको सबको उतार कर चलती बनी। जबकि मजदूरों ने बताया कि बकायदा सभी ने यहां तक आने का संचालक को भुगतान भी किया है। वही सवाल उठ रहे हैं कि तमाम नाकेबंदी पार कर बस यहां तक कैसे पहुंची। आखिरकार इसका जवाब अगर आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वही अगली बड़ी खबर में आपको बता रही कि इस माह 2 चंद्र और 1 सूर्य ग्रहण, जानिए कैसा रहेगा इसका प्रभाव। जी आपको बता दें, अगर आप इन सब पर विश्वास रखते हैं, वैसे विश्वास तो रखना चाहिए क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड भी है। वहीं आपको बता दें कि 5 जून से 5 जुलाई के बीच 3 ग्रहण पड़ेंगे, इनमें से 1 सूर्य ग्रहण व 2 चंद्र ग्रहण होंगे, जबकि 5 जून को मांध चंद्र ग्रहण रहेगा, जबकि 21 जून को सूर्य ग्रहण रहेगा, वहीं 5 जुलाई को मांध चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ज्योतिषों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर एक ही पक्ष में अर्थात माह के कृष्ण व शुक्ल पक्ष में 2 ग्रहण दिखाई दे तो मौसम में अप्रत्याशित बदलाव लाता है, जबकि तेज बारिश, तूफान और तीव्र ठंड या गर्मी के प्रभाव के अलावा मौसमी बीमारी के प्रकोप की संभावना भी इससे बढ़ जाती है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही न्यूज प्रतिदिन प्रति रोज आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ इस वीडियो को जरूरतमंद व्यक्तियों यानी कि यह वीडियो आप जिनको भी जानते हैं उन तक जरूर पहुंचाइए यानी कि शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।